दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। और आज भक्तों की भाई रो रो के बुरी हालत हो चुकी होगी। एक के बाद एक ऐसी खबरें सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही हैं। मित्र सिन्हा जैसे लोगों के बारे में मैं सोच रहा हूं काफी ज्यादा बुरा मुझे यहां पर लग रहा है, लेकिन साथ में काफी हंसी भी आ रही है। अब लाइन से खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इसको अपनी स्क्रीन पर देखिए, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। आप एमपी संजय सिंह गेट्स बेल आफ्टर 6 months इन जेल इन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। भक्तों तो रोने का मन कर रहा है, रो लो कोई बात नहीं। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि इस टाइम पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितनी ज्यादा खुशी की लहर है, जरा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरे आम आदमी पार्टी के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि यार संजय सिंह बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से किरकिरी हुई है यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इन शॉर्ट मोदी गवर्नमेंट की। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है पूरी हेयरिंग के बीच में, नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, देयर इज नो ट्रेस, सुप्रीम कोर्ट टेल्स ईडी व्हाइल हेयरिंग आप लीडर संजय सिंह बेल प्ली। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर कह रही है कि कुछ भी रिकवर नहीं किया गया, किसी भी चीज का कोई ट्रेस नहीं मिला। इसका मतलब संजय सिंह को अरेस्ट करके इतने दिन से क्यों रखा हुआ था, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपकी नजर डालना चाहता हूं। बहुत ज्यादा खुश होने की भी यहां पर जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, ब्रेकिंग ईडी टेल सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज नो ऑब्जेक्शन टू ग्रांटिंग बेल टू आप लीडर संजय सिंह इन द दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, एससी ग्रांट्स बेल टू संजय सिंह। मतलब सुप्रीम कोर्ट का बेल ग्रांट करने से पहले ईडी ने अपनी तरफ से एक नो ऑब्जेक्शन दिया था, और ईडी नो ऑब्जेक्शन दे रही है तो ऊपर से डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्डर यहां पर आया होगा। और ऊपर से अगर ऑर्डर आया है बेल देने का, तो इसके पीछे भी डेफिनेटली कोई पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि चीचा बिना पॉलिटिक्स के तो छींक भी नहीं मारते। बात तो सही है, लेकिन चलो भाई इसको एक पॉजिटिव तरीके से ही देखते हैं। शायद इंटरनेशनल प्रेशर जो बनता चला जा रहा था, कभी अमेरिका जर्मनी कभी यूएन से जो प्रेशर आ रहा था, शायद उस वजह से ये स्टेप लिया गया। लेकिन आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में एक और काफी तगड़ी यहां पर लंका लग चुकी है। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू ईसी ऑन प्ली ओवर 100% ईवीएम वोट्स वीवीपैट वेरिफिकेशन। इंडिया लाइंस ने थोड़े दिन पहले इलेक्शन कमीशन के पास ये चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जितने भी वीवीपैट की स्लिप्स हैं उनको ईवीएम से क्रॉस चेक किया जाए। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने एज यूजुअल कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे इंडिया अलायंस के लोग, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। इसी साथ इलेक्शन कमीशन को और सरकार को नोटिस भेज के जवाब भी इस चीज के ऊपर मांगा है। अब रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में क्या हुआ था, अगर उस चीज को पूरा देखा जाए तो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर भी यहां पर एक एक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले या फिर एटलीस्ट काउंटिंग के टाइम से पहले इस चीज के ऊपर एक ऑर्डर आ जाए कि वीवीपैट की स्लिप्स को वेरिफाई किया जाएगा ईवीएम के वोट्स के साथ। हाँ, डेफिनेटली इसमें बहुत सारी मैन पावर लगेगी, लेकिन जहां पर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं देश की डेमोक्रेसी के ऊपर, एटलीस्ट हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भाई साहब को इतना तो करना ही चाहिए ना। अब एक सवाल इसमें निकलकर यह भी आता है कि पहले क्या ऐसा नहीं होता था? पहले डेफिनेटली ऐसा होता था, लेकिन रैंडमली कोई 5 पर्ची उठा करके उनको क्रॉस चेक किया जाता था। सोचो जहां पर करोड़ों वोटर्स हैं, करोड़ों वोट्स पड़ रहे हैं हमारे देश के अंदर, वहां पर हर बूथ में से 5 वोट्स को रैंडमली उठाया जाता था, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यहीं पर ही रुक गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और न्यूज़ आपको दिखाना चाहता हूं, ये सीजीआई की तरफ से ही है। अपने स्क्रीन पर देखिए सीजीआई का एक स्टेटमेंट, सीबीआई को सिर्फ उन्हीं मामलों पर ध्यान देना चाहिए जो राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ अपराध से जुड़े हुए हैं। सीबीआई को सीधा सीधा सीजीआई ने मतलब ये बोला है कि भैया इतने सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर जो केस चला रहे हो तुम लोग, और जो ये पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए काम किया जा रहा है, इससे कुछ तुम्हारे को मिलने नहीं वाला, असली मुद्दों के ऊपर ध्यान दो। इस स्टेटमेंट से हमारे को ये भी समझ में आता है कि आखिरकार सीजीआई की इन पॉलिटिकल वेंडेटा के केसेस के ऊपर क्या ओपिनियन है अपनी, और शायद ये मोदी जी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अब अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट रुक गया, तो भैया यहीं पर भी नहीं रुका, आपको एक और दिखाना चाहता हूं। बाबा रामदेव ने अनकंडीशनल अपॉलोजी दी थी थोड़े दिन पहले, उनकी अपॉलोजी को एक्सेप्ट नहीं करा गया, आज ये भी पता चला है सामने। बाबा रामदेव जो अपने प्रोडक्ट्स के फर्जी एड्स चला रहे थे, फर्जी क्लेम्स करे जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक्शन लिया था, उसके बावजूद भी उनकी एड्स चली जा रही थी, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पतंजलि और बाबा रामदेव से बहुत ज्यादा नाराज थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को और बालकिशन को पेश होने के लिए भी कहा था, और आज वो पेश भी हुए, उन्होंने यहां पर माफी भी मांगी, लेकिन उनकी माफी एक्सेप्ट नहीं करी गई। भाई मतलब यहां तो सावरकर वाली ट्रिक्स भी नहीं काम आ रही, सावरकर से भी बुरे दिन आ चुके हैं। सावरकर की माफी भी वहां पर एक्सेप्ट हो जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, इनकी तो एक्सेप्ट भी नहीं हो रही। अब इसी पूरे मैटर के बीच में एक वीडियो निकल कर आया, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक जर्नलिस्ट जो है दिल्ली के, वो बाबा रामदेव से किस तरीके से सीधे सवाल पूछ रहे, ऐसे सवाल जो मोदी मीडिया की औकात नहीं है पूछने की, जरा इसको देखो।
बाबा रामदेव आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोर्निल से इलाज करेंगे सही? ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है हाथ तो छोड़ रहा, ऐसे नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं रहा सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ कर थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे करोगे? रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? तो माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? अब आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। योग गुरु बाबा रामदेव बहुत महान आदमी अपने आप को बनते हैं, बहुत बड़े अपने आप को धन्ना सेठ बनते हैं, लेकिन एक बार जरा देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या भीगी बिल्ली बन के खड़े हुए हैं लाला रामदेव। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में। एक बहुत तगड़ा झटका ईडी को यहाँ पर फिर से लगा है। थोड़े दिन पहले ईडी ने एप्पल से कहा था कि अरविंद केजरीवाल के फोन को अनलॉक करके हमारे को दें, जिससे कि हम लोग इसकी छानबीन कर पाएं। अब एप्पल ने इस चीज के लिए मना कर दिया और कह दिया कि हम अरविंद केजरीवाल के फोन को अनलॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूजर डेटा की प्रिवेसी का सवाल है। भाई इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की नहीं हुई होगी आज तक। आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज भी होगी जहां पर बताया गया द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज कॉन्टेक्टेड एप्पल फॉर असिस्टेंस इन एक्सेसिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आईफोन इन द लिकर पॉलिसी केस। केजरीवाल हु हैज बीन इन ईडीज कस्टडी हैज नॉट शेयर्ड द पासवर्ड ऑफ हिज फोन। वैसे एप्पल के स्टेप के बाद एक बात तो मानी जा सकती है कि भैया अगर अगला फोन लेना हो तो एप्पल का ही लेना, यूजर डेटा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा। अब भक्त बोलेंगे अबे केजरीवाल है एक नंबर का करप्ट है, रेवड़ियां बांटने का काम करता है। रेवड़ी, अगली खबर को जरा अपनी स्क्रीन पर देखो। आज मोदी जी की उत्तराखंड में एक रैली थी और मोदी जी ने वहां पर क्या कहा है। रुद्रपुर की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, बिजली बिल जीरो करने की बड़ी प्लानिंग चल रही है हम लोगों की। मतलब जो मोदी जी थोड़े दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल को मुफ्त की रेवड़ियां, फ्री में बिजली दे दी, फ्री में पानी दे दिया, फ्री में बस राइड दे दी बोल रहे थे, फ्री बीज बांटने की बातें कर रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि जीरो बिजली के बिल की कोशिशें चल रही हैं उत्तराखंड में। भाई ये रेवड़ी नहीं है, ना इसको कोई रेवड़ी नहीं बोलेगा, ये है मुफ्त के पकौड़े। अब याद है आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि भक्तों के लिए आज बहुत ही बुरा दिन है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ध्रुव राठी की एक और वीडियो आ चुकी है। अपने स्क्रीन पर आप देखोगे ध्रुव राठी ने जो रीसेंट वीडियो डाला है उसका टाइटल है डरा हुआ डिक्टेटर। भाई डरा हुआ डिक्टेटर, मतलब एक एक करके सब लोग बेइज्जतियां कर रहे हैं यहाँ पर, और तो कुछ हो ही नहीं रहा है इनके साथ। आपको याद होगा एक महीने पहले भी ध्रुव राठी ने कहा था कि क्या हम लोग एक डिक्टेटरशिप बनते जा रहे हैं हमारा देश, और उसके बाद काफी बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था, बीजेपी आईटी सेल के लोग काफी ज्यादा उछल रहे थे, और एक महीने बाद फिर से वीडियो डाली गई है। मतलब एक एक करके भक्तों के दुखड़े पे छोंक लगाने का काम कर रहा है भाई ध्रुव राठी यहाँ पर। वैसे ध्रुव राठी की अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखना और अपने साथ साथ कम से कम 10-20 लोगों से इसको शेयर भी करना, क्योंकि ट्रस्ट मी अगर ये वीडियो देश के वोटर्स तक पहुंच गई ना तो मोदी जी के वोटर्स भी उनको वोट करके नहीं आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं सम इंटरनेशनल डंका के बारे में भी। चाइना की तरफ से निकलकर सामने आया है चीन ने पहाड़ और झील समेत अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदले। अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे देश का एक स्टेट है उसकी 30 जगहों के नाम चीन बदल रहा है। सोचो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन नहीं भैया, मोदी जी का इंटरनेशनल डंका तो बजे ही चला जा रहा है। अब इसके ऊपर मोदी जी का तो कोई जवाब निकल कर आया नहीं, ना ही कभी निकल कर आएगा, लेकिन देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इनका एक जवाब इसको देख लेते हैं बिना सर पैर का है। नथिंग विल बी गेन्ड बाय चेंजिंग नेम्स एस जयशंकर ऑन रीनेमिंग रो। अरे भैया कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। नथिंग विल बी गेन्ड बाय चेंजिंग नेम्स, अगर कुछ भी गेन नहीं होता नाम चेंज करने से तो ये मोदी जी योगी जी पिछले 5-6 सालों से नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। मतलब एक तरफ हम लोग नाम चेंज करके सिग्निफिकेंट चेंज कर देंगे, एकदम मतलब सिंबॉलिक राजनीति कर लेंगे, और दूसरा अगर नाम बदलेगा तो उससे किसी को क्या गेन होगा ठुल्लू। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक फनी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। नोएडा में एक बंदे ने उबर ऑटो बुक किया जिसकी कॉस्ट उसको 62 रुपए पड़ने वाली थी, लेकिन जब उसकी राइड एंड हुई तो पता चला कि उसका बिल आया है 7 करोड़ से भी ज्यादा का। 7 करोड़! वैसे उबर की कंप्लेंट्स और किस्से आजकल इलेक्शन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। अभी एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने नोएडा में 62 रुपए की उबर ऑटो बुक करा और 7 करोड़ से भी ज्यादा का बिल आ गया। अब भाई अगर मेरे से पूछो तो इस अमाउंट को देखने के बाद इसको इलेक्टोरल स्कैम की तरह गिना जाना चाहिए। मतलब भाई साहब ने 62 रुपए की ऑटो राइड बुक करी लेकिन इसमें जो ट्रिप फेयर लगकर के आया वो था 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा का, और वेटिंग चार्जेस तुम सुनोगे तो चकरा जाओगे
लगभग 6 करोड़ रुपए के वेटिंग चार्जेस लग करके आए। भाई 7 करोड़ रुपए का ऑटो का बिल, इससे तो अच्छा रोल्स रॉयस खरीद लेता भाई हमारा। अबे रोल्स रॉयस तो छोड़ो, इतने में तो चंद्रयान से अपने घर तक चला जाता। वैसे उबर के अपने लॉसेस कवर करने का तरीका बहुत ही कैजुअल है, और आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या कभी आपके साथ उबर या फिर ओला में कुछ इस तरीके की घटना हुई है। साथ ही बाकी की खबरों के ऊपर भी आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में, और हाँ इसके बाद सबसे पहले जाके ध्रुव राठी की वीडियो देखना। और वो लोग जो बीच में ही छोड़कर जा चुके हैं, बेटा आज सपने में तुम्हारे चीचा चाय वाले आएंगे, दोनों हाथों से चाय बना के तुम्हें पिलाएंगे।